नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे संकेतों लक्षणों के विषय में जिससे आप पता लगा सकती हैं कि गर्भ में बच्चा सही है या फिर अब खतरे की तरफ बच्चा इशारा कर रहा है। अगर गर्भ के अंदर बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है, कोई हानि या नुकसान पहुंचता है या फिर कोई खतरा होता है, तो महिलाओं को पहले ही इन संकेतों से समझ में भी आ जाता है कि अब हमें कौन सा नेक्स्ट स्टेप उठाना है या फिर तुरंत हमें डॉक्टर के पास भागना होगा। क्योंकि हर महिला चाहती है कि उनका बच्चा सेफ रहे, कोई दिक्कत उसे ना हो, भले ही आपको हो जाए बट बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जो मैं आगे आपको लक्षण और संकेत बताने वाली हूँ वो हर गर्भवती महिला को पता होने चाहिए। फ्रेंड्स, जो गर्भवती महिला का पहला, दूसरा और तीसरा महीना होता है, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस दौरान महिलाओं के शरीर में बहुत तेज़ी से बदलाव भी होते हैं और कई सारी महिलाओं को अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की समस्या देखी जाती है। ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है, कई बार ये इम्प्लांटेशन का लक्षण होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लीडिंग कंटिन्यू आ रही है या रह कर आ रही है, ये पहले के 3 महीना में हो रहा है, तो बहुत जल्दी से सावधान हो जाइए क्योंकि ये मिसकैरेज की तरफ इशारा करता है। इसलिए अगर सही समय पे आप डॉक्टर के पास चली जाएंगी तो आपकी प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है। कई बार गलत तरीके से प्लेसेंटा प्लेस होता है आपके यूट्रस के अंदर, तो भी आपको ब्लीडिंग होने की परेशानी होने लगती है। तो जो प्लासेंटा है वो बच्चे को पूरा संपूर्ण आहार पहुंचाता है, बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर प्लासेंटा में ही कोई दिक्कत आ जाएगी तो बच्चा भी खराब हो सकता है। इस वजह से प्लासेंटा का पोजीशन सही होना जरूरी होता है प्रेगनेंसी के अंदर। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर गाइड भी समय पर कर सकते हैं। तीसरी बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि बहुत बार महिलाओं को क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पानी की थैली होती है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिसमें बच्चा रहता है, जो बच्चे को सेफ रखता है, कई बार ये चोट से बचाने में मददगार होता है, बच्चे के पास इन्फेक्शन नहीं पहुंचने देता डायरेक्टली और ये उसके विकास में हेल्प करता है। तो जो ये द्रव्य अच्छा और सही मात्रा में इसका लिक्विड होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बट कई बार आपको वाटर लीकेज हो जाती है या फिर पानी की थैली ही फट जाती है, तो उस कंडीशन में बच्चे के बहुत ज़्यादा जान के साथ ही रिस्की हो जाता है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस दौरान आपकी डिलीवरी भी हो सकता है समय से पहले कराने की ज़रूरत पड़ जाए। तो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा पतला द्रव्य निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कंटिन्यूसली हो रहा है, तो आपको सचेत उसी समय से हो जाना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने के गर्भावस्था में बहुत बार आपको सूजन की परेशानी होती है। कई महिलाओं को हाथ पैर में, अलग अलग शरीर के एरियाज़ में स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्वेलिंग की प्रॉब्लम उन महिलाओं को ज़्यादा होती है जिनको एनेमिया का प्रॉब्लम होता है, जिनमें ब्लड की कमी होती है या पानी की मात्रा ठीक से नहीं है या ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है ठीक से। अगर बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं होगा तो बच्चे तक भी नहीं पहुंचेगा और बच्चा डेवलप नहीं होगा ठीक तरीके से और आपको भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए स्वेलिंग अगर बहुत ज़्यादा होती है, इसी के साथ उसमें पेन रहता है, तो तुरंत आपको इसके लिए डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है। बहुत महिलाओं को आखिरी के कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आना, चक्कर आना, धुंधलापन महसूस होना, इसके अलावा वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाना, खाने पीने की चीज़ों से बिल्कुल ही नफरत हो जाना, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो कुछ और ही बीमारी की तरफ इशारा करती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की प्रॉब्लम होना या फिर बीपी हाई हो जाना, इस तरीके की समस्या काफ़ी ज़्यादा आम होती है। तो ये कुछ संकेत जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इससे आपको पता चल सकता है कि आपके गर्भ में बच्चा जो है वो ठीक तरीके से विकास कर रहा है या नहीं, या फिर उस पर कोई संकट तो नहीं है। और इसी के अलावा जो मूवमेंट होती है बच्चे की, वो भी बहुत ज़्यादा खास मानी जाती है। एक हेल्दी बच्चे के लिए एक हेल्दी मूवमेंट होना भी फील मदर को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को अगर ठीक तरीके से संपूर्ण पोषण या फिर ऑक्सीजन या फिर ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है तो मूवमेंट करने में दिक्कत करता है या मूवमेंट कम करता है या नहीं करता है। तो कभी भी आपको ठीक तरीके से मूवमेंट बच्चे की नहीं समझ में आ रही है, फील नहीं हो रही है,
तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। ये सभी खतरे की निशानियां होती हैं जो घर में बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए आई रियली होप कि अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो इन सारे संकेतों और लक्षणों को आप समझना चालू करेंगे और इन पर ध्यान देना भी चालू कर देंगी। इसी के साथ साथ अगर मन में कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँच पाए। और अगर आप सबसे पहले कमेंट करते हैं मेरे वीडियो को देख करके तो डेफिनेटली मैं उसके आंसर देने की कोशिश भी करूँगी। तो इसी होप के साथ मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी के साथ। तो अपना पूरा ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।